हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये है आपके क्लास नाइन्थ का बीहाइव का लेसन 5, द स्नेक एंड द मिरर बाय वैकोम मुहम्मद बशीर एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अ फुल ब्लडेड कोबरा? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. So, यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो अपनी एक स्टोरी सुना रहे हैं, और स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि वो एक सवाल करते हैं कि क्या आप लोगों में से किसी का बॉडी को कभी किसी कोबरा स्नेक ने लपेटा है? और कोबरा स्नेक का नाम सुनते ही सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, और कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होता है। इट वॉज़ ए हॉट समर नाइट। ये जो था गर्मी की रात था, रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपना रात का डिनर करते हुए रेस्टोरेंट पे मैंने डिनर किया और अपने रूम वापस आ गया था। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और मैंने जैसे अपना कमरा खोला, मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। और वो आवाज़ जो था डॉक्टर के लिए आम था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। और मजाक के तौर पे उन्होंने बोला कि कोई भी कह सकता था कि उस कमरे को मैं और वो चूहे मिल बांट कर यूज़ करते हैं। आई टुक ऑफ माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। और डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने अपने पॉकेट से क्या निकाला, मैचेस बॉक्स निकाला, माचिस की डिब्बी निकाली, एंड मैंने क्या किया, किरोसिन लैम्प को उसको जलाया जो टेबल पे रखा हुआ था लाइट के लिए। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। और डॉक्टर बताते हैं कि जिस कमरे में रहते थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, और ये बहुत ही छोटा रूम था। और मैंने अभी अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मेरी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, और मेरे पास मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे, 60 रुपये ही थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट। और उसमें कुछ शर्ट थे और एक कुछ धोती थे, और मेरे पास सिर्फ एक जो था ब्लैक कोट था जो उस टाइम मैंने पहन रखा था। आई टुक अप माई ब्लैक कोट वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। और वो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने अपना ब्लैक कोट को उतारा, उसको टांगा, वाइट शर्ट जो पहन रखा था उसको उतारा टांगा, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट। वेस्ट का यहाँ पे मतलब है गंजी। उन्होंने जो पहन रखा था वो कलर तो वाइट था, लेकिन अब वाइट रहा नहीं क्योंकि गंदा हो चुका था। दैट्स वाई यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट सो वाइट। और उनको टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। और उनके कमरे में जो दो खिड़कियाँ थी उन्होंने उनको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। और उनका ये जो कमरा था ये घर के बाहर था, और उनका एक जो दीवार था वो किधर था, यार्ड, यार्ड को आप गार्डन समझ सकते हो, गार्डन की तरफ खुलता था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और क्या था, उनका घर जो कमरे में रहते थे वो स्लोप बना हुआ था, तिकोना स्लोप बना हुआ था, और जो कि बीम के सहारे रेस्टेड था, जो गैबल था बीम के सहारे खड़ा था। देर वॉज नो सीलिंग। और उस बीम में क्या था, चूहे जो थे उछल कूद करते रहते थे जिसके कारण नॉइज होता था। Regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. कहने का मतलब है, उनके जिस कमरे में वो डॉक्टर रह रहे थे उसमें छत तो था नहीं, बीम था जिसके सहारे वो स्लोप वाला टिका हुआ था, गैबल भी टिका हुआ था, स्लोप वाला छत था उनका, और एक्चुअल में उनका सेलिंग छत नहीं था। सो क्या हुआ, उस बीम में क्या थे, चूहे जो थे इधर उधर करते रहते थे, उछल कूद करते रहते थे, तो ये नॉर्मल था। और उन्होंने क्या किया, अपना बिस्तर को ठीक किया, बेड को ठीक किया, उन्होंने दीवार की खींच कर दीवार के किनारे कर दिया, और उन्होंने सोने की कोशिश की बट वो सो नहीं सके। और वो उठे और फिर हवा खाने के लिए, फिर मूड फ्रेश करने के लिए वो कहाँ चले गए, बरामदा में। लेकिन क्या हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे हवा के देवता विंड गॉड ने आज छुट्टी ले रखी और हवा नहीं चल रही थी, जरा सा भी हवा नहीं चल रही थी, ठीक है। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। और डॉक्टर क्या करते हैं, अपने रूम में वापस चले गए और चेयर पे बैठ गए। और उनके टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था,
और उसमें से उन्होंने एक बुक निकाला, इट वाज मैटेरिया मेडिका, ये होम्योपैथी का एक बुक है। आई ओपन्ड इट एंड टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और उन्होंने अपने टेबल पे उस बुक को खोला। टेबल पे क्या रखा हुआ था, एक मिरर रखा हुआ था बड़ा सा, उसके बगल में एक कंघा रखा हुआ था, एक लालटेन रखा हुआ था, वो लैम्प रखा हुआ था किरोसिन वाला। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू अ मिरर वैन इट्स नियर वन, और खास बात ये थी कि डॉक्टर जो थे उनको अपना चेहरा पसंद था, उनको हैंडसम दिखना पसंद था। आई टुक अ लुक, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और डॉक्टर बताते हैं कि उस टाइम में जब मैं जवान था तो मैं ब्यूटी की बहुत प्रशंसा करता था, मुझे ब्यूटी कुल चीज़ें बहुत पसंद थी और मैं चाहता था कि मैं खुद को भी हैंडसम दिखाऊँ। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं था और मैं डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो उनका कहने का मतलब मैं चाहता था उस टाइम में कि मैं खाली हूँ, मैं बैचलर हूँ, अनमेरिड हूँ, मैं ये प्रेजेंस करना चाहता था, दिखाना चाहता था। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, और डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने अपना कंघा उठाया और अपने बाल को बनाने लगे और उन्होंने अपने बालों को एडजस्ट करने की कोशिश की। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, और क्या हुआ, डॉक्टर ने बीम में फिर से वही आवाज़ें सुनी और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया फिर से। आई टुक अ लुक क्लोज एट माई फेस इन द मिरर, आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैश टू लुक मोर हैंडसम, I was after all a bachelor and a doctor. और क्या हुआ, उन्होंने फिर अपने चेहरे को देखा मिरर में और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं अब डेली अपने शेविंग करूँगा और एक मस्टैश जो है उसको ग्रो करूँगा ताकि मैं हैंडसम दिखूँ, आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ, बैचलर हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से मिरर में देखा और स्माइल किया और उनके लिए एक अट्रैक्टिव स्माइल था और उन्होंने ये आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, उनके लिए एक अर्थ शेकिंग डिसीजन था, उन्होंने बोला कि मैं हमेशा अब अपने चेहरे पर एक स्माइल रखूँगा टू लुक मोर हैंडसम, और उन्होंने बोला कि मैं स्माइल इसलिए रखना चाहता था कि मैं और हैंडसम दिखूँ, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, और उन्होंने बोला कि वो आखिरकार एक बैचलर थे एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और बैचलर होने के साथ साथ वो एक डॉक्टर भी थे। आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और वह रूम में आगे पीछे चलने लगे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और उनके दिमाग में एक और ख्याल आया, आई वुड मैरी, और मैं शादी कर लूँगा, आई वुड गेट मैरी टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उन्होंने बोला कि मैं शादी कर लूँगा और मैं ऐसी औरत से, लड़की से शादी करूँगा जो कि डॉक्टर हो, जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिस और जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, सी हैड टू बी फैट, और डॉक्टर बोलते हैं कि जिससे भी मैं शादी करूंगा वो लड़की फैट होगी, और उनके पास एक वैलिड रीज़न भी था, और वो उनका क्या था, ये सलीसा रीज़न, अगर वो कभी गलती कर दें और उनको भागना पड़े तो उनकी भी जो वाइफ होंगी वो उनके पीछे दौड़ ना पाए क्योंकि वो मोटी होगी तो दौड़ नहीं पाएगी, सो उनका ये एक वैलिड रीज़न था, दैट्स वाई वॉन्टेड टू मैरी अ फैट वुमन। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in a chair in front of the table. और इन्हीं सब ख्यालों के साथ मैं सीट वो चेयर पे टेबल के सामने बैठा रहा। There was no more sound from above. और उसके बाद उस सीलिंग से, वो जो बीम था उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, और suddenly अचानक एक थर्ड सा आवाज़ हुआ, एक धप सा आवाज़ हुआ, जैसे कोई रबर ट्यूब जो था वो सीलिंग, वो बीम से नीचे गिरा, और ये कोई नया बात नहीं था और कोई आम बात नहीं था, कुछ खास नहीं लगा डॉक्टर को इसमें। ग्राउंड सियोरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर साइमल्टेनियस। कहने का मतलब है, जैसे उस थर्ड धप की आवाज़ हुई कि गिरा, रबर ट्यूब गिरा,
डॉक्टर ने डॉक्टर को लगा कि कुछ नहीं है, बट फिर भी डॉक्टर ने सोचा कि घूम के देखता हूँ कि क्या गिरा है। और जैसे ही उन्होंने अपना सर घुमाया, क्या हुआ, एक स्नेक जो था, वो रबर ट्यूब जो था, वो स्नेक था जो उनके बीम से गिरा, वो चेयर के बैक से होते हुए उनके शोल्डर पे आ धमका, मतलब लपेट लिया उनके शोल्डर को। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, और उनके बॉडी पे स्नेक का आना और उनका पीछे घूमना दोनों एक साथ हुआ। आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं ना कूदा, ना मैं हिला, ना मैं थरथराया, ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। और डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ करने का मेरे पास वहाँ समय नहीं था। द स्नेक स्लाइटेड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और उनके एल्बो के ऊपर से सांप ने क्या किया, रेंगता हुआ उनके शोल्डर पे पहुंचा और उनके पूरे लेफ्ट आर्म के एल्बो से ऊपर उसको लपेट लिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज नियर हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हुड जो होता है स्नेक का, जो सामने का फेस होता है, हेड उसको बोला जाता है, और सामने था, सिर्फ 3 or 4 inch दूर था उस डॉक्टर के, होम्योपैथ डॉक्टर जो थे उनके चेहरे से सिर्फ 3 to 4 meters दूर था वो सांप। आई वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। और डॉक्टर बोलते हैं ये बोलना गलत नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ कि मैं वहाँ पे सांसें बंद करके बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और मैं उस जगह पर पत्थर बन चुका था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, और मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा था। द डोर ओपन्ड इन टू डार्कनेस, दरवाजा अंधेरे में था, रूम अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उन चारों अंदर अंधेरा बाहर अंधेरा, रूम के चारों तरफ अंधेरा, और जो रोशनी है वो सिर्फ लैम्प का था जिसमें मैं उस रोशनी में एक पत्थर जी मूर्ति जैसा बैठा हुआ था सांसें बंद कर कर। I felt that the great presence of the creator of this world and this universe, God, was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the word, oh God. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arms. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? बाएं हाथ में डॉक्टर के क्या हुआ, सांप ने लपेट लिया, सांप ने खुद को लपेट लिया, और उस डर में डॉक्टर को अब क्या हो रहा था, डॉक्टर को भगवान याद आ रहे थे और वह भगवान से प्रे कर रहे थे कि उनकी जान बच जाए, और वो अपने दिल से बस रिक्वेस्ट कर रहे थे भगवान से कि उनकी जान बचा ले। और साथ ही साथ उनके बाएं हाथ में दर्द हो रहा था क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे एक रड जो है वो उनकी चारों तरफ लपेट लिया है, और उनको धीरे धीरे दर्द भी हो रहा है, ऐसे मोल्टन फायर, ऐसा लग रहा था रड जो है वो जलता हुआ आग का बना हुआ है, बहुत पावरफुल, और धीरे धीरे उनको हाथ को क्या कर रहा है, तोड़ते जा रहा है, क्रश करते जा रहा है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और उनके हाथ का जो जितने भी एनर्जी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था, और वो बस इतना ही सोच रहे थे कि मैं अब क्या करूँ। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी दैट लर्क्ड 4 inches अवे, कहने का मतलब है डॉक्टर ने सोचा अगर मैं जरा सा मूवमेंट करूँगा तो सांप मुझे काट लेगा और मौत मेरे से सिर्फ 4 inch दूर है। सपोज इट स्ट्रक, वाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, और डॉक्टर खुद ब खुद उस टाइम सोच रहा है कि अगर मैं मुझे ये सांप काट लेता है तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, और उस समय में डॉक्टर के रूम में एक भी मेडिसिन नहीं था। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं डॉक्टर था बट गरीब बेवकूफ एंड स्टूपिड डॉक्टर था, बेवकूफ डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फेवरली एट माई सेल्फ, और उस टाइम में मैं अपना जो ये खतरा मेरे सामने था वो उस टाइम मैं भूल गया और मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हंस रहा था।
इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान को मैंने जो प्रे किया उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, और सांप ने मेरे तरफ से मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, सांप ने क्या किया, सांप दूसरी तरफ मुड़ा और मिरर में शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, और डॉक्टर बोलते हैं मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये शायद पहला सांप था जिसने अपना रिफ्लेक्शन शायद मिरर में देखा था, बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। तो डॉक्टर बोलते हैं बट इतना तो सच था कि वह सांप खुद को देख रहा था मिरर में, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ब्यूटी को, सुंदरता को निहार रहा हो। यह एक सवाल था डॉक्टर के मन में। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टैश और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। और जैसा कि कुछ समय पहले डॉक्टर खुद के बारे में सोच रहे थे खुद को हैंडसम बनाने के, तो उनके दिमाग में ये चल रहा था क्या वो खुद की सांप जो अपनी ब्यूटी को निहार रहा है और ये डिसीजन बना रहा है कि क्या मुझे सांप को ऐसा अपना उनको लगा कि सांप ऐसा सोच रहा है कि सांप को मूछें उगा लेनी चाहिए या आई शेडो लगा लेना चाहिए या मस्कारा लगाना चाहिए या एक बिंदी लगाना चाहिए, वर्मिलियन स्पॉट बिंदी लगाना चाहिए अपने सर पे, तो वो सब उनके दिमाग में चल रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो। और उस टाइम में डॉक्टर को कुछ नहीं पता था, उनको ये तो वो बोल रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता था सांप मेल था या फीमेल था, और मुझे नहीं कभी पता नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माय आर्म एंड स्लोली स्लाइटर्ड इनटू माय लैप। और क्या हुआ, कुछ ही देर बाद स्नेक ने क्या किया, उनके आर्म बायां हाथ जो था उनको उन्होंने ढीला छोड़ा और धीरे धीरे उनके लैप पे आया, रेंगते हुए लैप पे गया मतलब गोद में। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और वहाँ से क्या किया लैप पे मतलब गोद में आने के बाद स्नेक क्या किया टेबल की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे वहाँ पर जाकर रेंग कर खुद को एक सांप जैसे अपने पोजीशन में बैठता है, क्रैप्ट करके टेबल के ऊपर मिरर के सामने बैठ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, और डॉक्टर को ऐसा लगा जैसे सांप जो अपने उस ब्यूटी को, अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता है नज़दीक से। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, और मैं अब एक पत्थर का बना हुआ मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और डॉक्टर ने बोला मैं उस टाइम में एक हार एंड मांस का इंसान था, मतलब मेरे अंदर अब खून भी चल रहा था, मेरे अंदर मांसपेशी भी था, मैं अब पत्थर का नहीं था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और अभी भी मैंने अपनी सांसें बंद रखी और मैं चुपचाप अपने चेयर पर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और मैं चुपचाप अपने दरवाजे से वरांडा की तरफ गया। फ्रॉम देयर आई लेप्ड इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं बरामदा से कूदा और भागा जितनी ताकत लगा सकता था मैं भागा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साइग ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, और जिन लोगों ने डॉक्टर की कहानी सुन रहे थे उन्होंने एक राहत की सांस ली। और इसी में किसी ने पूछ दिया कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ मोटी है, डॉक्टर ने बोला नहीं मेरी वाइफ जो थी लंबी थी पतली थी, भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी वाइफ मोटी हो, और हाँ मेरी वाइफ तेज दौड़ सकती थी। और उसी में किसी दूसरे ने एक और सवाल किया कि क्या डॉक्टर जब आप भागे तो क्या आपके पीछे वो सांप भी आया, क्या सांप ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रन एंड रन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, और डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं दौड़ा और मैं दौड़ता रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया, और उसके बाद मैं जाते ही मैंने तेल से अपने आप को मालिश करवाई, उसके बाद मैंने नहाया और मैं साफ कपड़े मैंने पहन लिए, और अगली सुबह 8:30 में
मैं अपने फ्रेंड के साथ अपने पुराने कमरे में गया और एक और दो आदमी को साथ में लेके गया ताकि मैं वहाँ से अपनी चीज़ों को हटा पाऊँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। और वहाँ पहुँचते मुझे पता लगा हमें कि हमें बहुत कम ही सामान लेकर जाना था, क्योंकि रात में क्या हुआ, किसी चोर ने उनके सारे सामान को लेके चोरी करके गायब हो गया और उनका पूरा कमरा जो था अब साफ हो चुका था। और डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर चोर ने इंसल्ट के तौर पर वहाँ पे एक सामान छोड़ दिया था, और मुझे लगा ये मेरा पूरा इंसल्ट था। और राइटर ने पूछा क्या छोड़ दिया था डॉक्टर। डॉक्टर सेड माय वेस्ट द डर्टी वन द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। और डॉक्टर बोलते हैं वो जो वेस्ट मैंने पहन रखा था जो गंदा हो चुका था उसे उस चोर ने छोड़ दिया, बाद बाकी सब लेके गायब हो गया। और उस चोर को इतना साफ सफाई का चिंता था कि उसने उसे छोड़ दिया, जबकि वो बेवकूफ उसे भी ले जाता, क्यों छोड़ गया, उसे भी ले जाता, साबुन और पानी से साफ करता, यूज करता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। और फिर पूछा किसी ने क्या आपने अगली सुबह सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ्ड। डॉक्टर हंसे और बोले आई हैव नेवर सीन इट सिंस। और उन्होंने बोला कि मैंने उसके बाद उस सांप को दोबारा कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी। और मुझे पता है मिरर के सामने वो सांप अपनी ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को ही निहार रहा था। सो गाइज, ये था आपका द स्नेक एंड द मिरर का फुल स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी। और गाइज, आपको इस लेसन का जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। एंड मैंने इसके समरी एंड ये जो आपका क्वेश्चन नंबर वन एंड टू जो है उसको मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे चेक कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।